तो दोस्तों कैसे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेडमी K20 बहुत एक अच्छे फ़ोन है, बहुत एक बेहतर फ़ोन है। लेकिन दोस्तों इस फोन में कुछ कमियां भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा, देखिए इस फ़ोन में जो कमियाँ हैं उतना बड़ा कमियाँ नहीं है, छोटा छोटा कमी आपको देखने को मिल जाएगा। और जितना कमियाँ इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा जो है इस फ़ोन में खूबी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब दोस्तों ये फ़ोन एक परफेक्ट फ़ोन है, ये फ़ोन एक ज़बरदस्त फ़ोन, एक पैसे वसूल फ़ोन है। मतलब दोस्तों हमको अगर आज के डेट में कोई फ़ोन खरीदना रहेगा जरूर हम इसी फ़ोन को खरीदेंगे, मतलब रेडमी K20 को ही खरीदेंगे। और इस फ़ोन को हो सकता है कि भाई फ़ोन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ये इतना अच्छे फ़ोन है ना कि इसको हो सकता है कि फ़ोन ऑफ द ईयर्स भी घोषित कर दिया जाए। मतलब दोस्तों फ़ोन बहुत अच्छे फोन वाला है, बहुत ही बेहतर फोन होने वाला है। लेकिन दोस्तों छोटे छोटे कुछ कमियाँ भी इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो कमियाँ हैं ये उतना बड़ा कमियाँ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस कमियाँ की वजह से फ़ोन को ना खरीदा, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब एकदम छोटा छोटा कमियाँ कुछ आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा जो कि आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो जो भी है वो जो छोटे छोटे कमी है उसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में लोग बातें करेंगे कि क्या छोटा छोटा कमी है इस फोन को देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर से आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस फोन में जो कमियाँ हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा इस फोन में खूबी आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे इस फोन का बैटरी हो, चाहे इस फोन का प्रोसेसर हो, चाहे इस फोन का कैमरा हो, चाहे इस फोन का डिज़ाइन हो, चाहे इस फोन का डिस्प्ले, मतलब सारे के सारे दोस्तों इस फोन में अच्छी चीज़ दिया गया है। मतलब पैसा जितना पैसा आपसे लिया जा रहा है उससे कई गुना ज़्यादा फीचर इस फोन में आपको दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छे मतलब फोन होने वाला है दोस्तों, बहुत ही बेहतर फोन होने वाला है। तो देखिए जो भी कमियाँ है उसके बारे में आपको बताना जरूरी क्यों है, क्योंकि दोस्तों देखिए आप जो है हमारे जैसे यूट्यूबर का वीडियो देख के फ़ोन को खरीदते हैं, तो ऐसे में हम लोग को मतलब फ़र्ज बनता है कि जो भी कमी है उसका उसको मतलब आपको मैं बता दूं कि क्या क्या कमी इस फोन को देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर से बता रहा हूँ जो कमी है उतना बड़े बड़े कमियाँ नहीं है, छोटा छोटा कमी आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसका आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो जो भी है दोस्तों इस वीडियो में लोग बातें करने वाले हैं कि रेडमी K20 में क्या क्या कमी आपको देखने को मिल जाएगा उसके बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग। और इस वीडियो में लोग बातें करने वाले हैं कि रेडमी K20 में क्या क्या कमी आपको देखने को मिल जाएगा उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो कमी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा वो होगा इस फोन को सिम स्लॉट को लेकर के। मतलब दोस्तों इस फोन में जो है एसडी कार्ड को लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है ही नहीं। मतलब एक होता है ना हाइब्रिड सिम स्लॉट जिसमें सिंगल सिम कार्ड लगा के एसडी कार्ड को लगा सकते हैं, वैसे भी नहीं है इस फोन में, खाली आप डुअल सिम कार्ड को लगा सकते हैं। मतलब एसडी कार्ड को लगाने का स्लॉट इसमें दिया हुआ है ही नहीं, आप एसडी कार्ड को नहीं लगा सकते। खाली दो दो सिम कार्ड को लगा सकते हैं लेकिन एसडी कार्ड को दोस्तों लगा ही नहीं पाएंगे। हाइब्रिड सिम स्लॉट में हम लगा सकते हैं, सिंगल सिम कार्ड को लगा करके एसडी कार्ड को लगा सकते हैं। लेकिन इस फोन का जो सिम स्लॉट है उसमें खाली डुअल सिम कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें आप एसडी कार्ड नहीं लगा सकते। तो ये कहीं ना कहीं जो दोस्तों इस फोन का कमियां है। मतलब मान के चलिए कि आप जो 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट को खरीदे, तो ऐसे में आपको अगर स्टोरेज को इंक्रीज करना है तो आप कैसे करेंगे? हाइब्रिड सिम स्लॉट में आप जो है एसडी कार्ड का दोबारा फिर भी आप कर पाएंगे, सिंगल सिम और एसडी कार्ड लगा के स्टोरेज को आप इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जहां तक बात रहा इस फोन की, तो इस फोन में जो है एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है ही नहीं। मतलब चाइना में जो ये फोन लॉन्च हुआ तो चाइना में जो ऐसे वाला सिम स्लॉट के साथ मतलब लॉन्च हुआ ये फोन, तो मुझे उम्मीद है कि ये फोन जब हमारे इंडिया में आएगा तो जो है इस फोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट कम से कम देखने को मिल जाएगा, मतलब एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन जरूर देखने को मिल जाएगा, मुझे तो ये उम्मीद है। बात भाई के देखिए क्या होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो है इस फोन का कमी है कि इस फोन में आपको एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, खाली दो सिम कार्ड को इसमें आप यूज कर सकते हैं लेकिन एसडी कार्ड को लगाने का ऑप्शन इस फोन में दिया हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो इस फोन का कमी है। दोस्तों उसके बाद दूसरा कमी आपको देखने को मिल जाएगा वो हो गया हेडफोन को लेकर के, मतलब ईयरफोन को लेकर के। मतलब इस फोन में आपको हेडफोन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब दोस्तों यह गलत बात है, मतलब इस फोन में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस फोन में जो है रेडमी ने आपको हेडफोन प्रोवाइड नहीं करेगा। एक्चुअली रेडमी ने कोई भी सेट के साथ हेडफोन प्रोवाइड नहीं करता है भाई, ये गलत बात है। आमतौर पर ऐसे होता है कि रेडमी जो आपके हैंडसेट के साथ जो हेडफोन प्रोवाइड नहीं करता, तो ऐसे में इस फोन में अगर आपको हेडफोन के मजा लेना है तो आपको जो है अलग से पैसा ला के हेडफोन खरीदना पड़ेगा, उसके बाद जाके इस फोन में आप जो है हेडफोन के मजा ले पाएंगे। तो भाई ये गलत बात है, रेडमी को इसके बारे में सोचना चाहिए, मतलब रेडमी को जो अपना फोन के साथ जो है हेडफोन प्रोवाइड करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भी दोस्तों गलत बात है कि इस फोन के साथ आपको हेडफोन देखने को नहीं मिलेगा, ये गलत बात है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये भी इस फोन का कमी है कि इस फोन के साथ आपको हेडफोन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर हेडफोन का मजा इस फोन में आपको लेना है तो अलग से आपको हेडफोन खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो इस फोन का कमियाँ है। दोस्तों उसका जो तीसरा कमियाँ सामने निकल के आता है वो हो गया दोस्तों एड्स को लेकर के। मतलब हम लोग को पता है कि रेडमी का हर एक फोन में एड्स आता है, मतलब खाली रेडमी K20 नहीं, रेडमी का कोई भी फोन में दोस्तों हम लोग को एड्स देखने को मिल जाएगा, ये गलत बात है। मतलब मान के चलिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम करते करते अचानक आपके सामने एड्स आ गया, आप जब मतलब फ़ोन को अनलॉक कर रहे हैं उस समय एड्स आ गया, मतलब हर समय अगर आपका मोबाइल में एड्स आते रहेगा तो आप जो है परेशान हो जाएगा, तंग हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि खाली ऑनलाइन जब रहेंगे, डाटा जब ऑन रहेगा उसी समय एड्स आ रहा है, आप ऑफलाइन रहेंगे ना डाटा आपका ऑफ रहेगा फिर भी आपका फ़ोन में एड्स दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो है इस फोन का कमी है कि इस फोन में आपको एड्स मतलब बार बार एड्स का सामना करना पड़ेगा। मतलब इस फोन में दोस्तों सारे के सारे चीज़ें एकदम अच्छे से चीज़ प्रोवाइड करा जा रहा है, मतलब जितना अच्छे चीज़ें हैं ना इस फोन में ठूस ठूस के भर दे रहा है, ठूस ठूस के भर दिया गया इस फोन में आपको सारे के सारे अच्छे चीज़ें। लेकिन ये जो चीज़ है ना एड्स,
तो ये आपको बहुत ही परेशान करता है, मतलब करने वाला है, क्योंकि दोस्तों कितना भी आप अच्छे से इस फ़ोन में भर दें, लेकिन फ़ोन को जब आप यूज़ करेंगे उस समय अगर एड्स बार बार सामने आपका आएगा तो आप जो है परेशान हो जाएंगे, आप जो है तंग हो जाएंगे भाई। तो ये गलत बात है कि इस फ़ोन में आपको एड्स का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों इस फ़ोन का एक कमी है कि इस फ़ोन में बार बार आपको एड्स का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों आप परेशान होंगे। जैसे कि आपका रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7 प्रो में हम लोग जानते हैं कि उसमें बहुत सारा एड्स आता है, एड्स के सामना उसमें करना पड़ रहा है यूज़र को। तो दोस्तों सेम टू सेम इस फ़ोन में वही प्रॉब्लम होने वाला है, मतलब इस फ़ोन का जब आप खरीदेंगे और यूज़ करेंगे तो आपको बार बार एड्स का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप परेशान होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी इस फ़ोन का एक कमी है कि इस फ़ोन में आपको बार बार एड्स देखने को मिलेगा दोस्तों। उसका जो चौथा कमी है सामने निकल के आता है वो हो गया डिज़ाइन को लेकर के। मतलब इस फोन आपको ग्लास मेटल डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, मतलब इस फोन का सामने और पीछे दोनों तरफ आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा, लेकिन साइड का जो फ्रेम है वो आपको मेटल का देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी अच्छी बात है कि आपको ग्लास मेटल डिज़ाइन इस फोन में देखने को मिल जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये फोन देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, मतलब देख के लगता है कि हाँ कोई प्रीमियम क्वालिटी का फोन है। पीछे तरफ ग्रेडियन मतलब कलर देखने को मिलता है, मतलब फोन काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन दोस्तों पीछे तरफ आपको ग्लास मिल रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि दोस्तों जैसे कि मान के चले फोन आपका हाथ से गिर गया तो पीछे तरफ का जो ग्लास है वो टूटने का खतरा एकदम 100% रहता है, क्योंकि जानते हैं दोस्तों ग्लास जब हाथ से एक बार छूट के गिर मतलब गिर जाता है तो दोस्तों टूटना ही चाहिए उसको। तो ऐसे में कुछ जो है इस फोन का जो बैंड टेस्ट वगैरह मतलब उसके बाद जो मतलब ड्रॉप टेस्ट वगैरह हम यूट्यूब में देख चुके हैं, तो एक टेस्ट ऐसे था कि फोन को इतना ऊपर से गिराया गया, मतलब जैसे आप बात कर रहे हैं कहीं है ना, तो फोन आपका इतना ऊपर में इतना ऊपर से गिराया गया, तो इतना ऊपर से गिर के जो फोन आपका डेड हो गया, मतलब पीछे तरफ का ग्लास पूरा टूट गया। उसके बाद जो है मतलब ऐसे डिस्प्ले अपने आप ऑन ऑफ होने लगा दूसरा बार में, जब दोस्तों फोन जो पूरा डेड हो गया। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों इस फोन का कमी है कि इस फोन में आपको ग्लास वाली डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, और फोन जो इतना ऊपर से गिर के ही जो फोन टूट जा रहा है और साथ में जो है फोन डेड हो जा रहा है। मतलब ये हम ऐसे नहीं बोल रहे, यूट्यूब में कई सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, आप यूट्यूब में सर्च करिए कि रेडमी K20 या रेडमी K20 पर ड्रॉप टेस्ट, आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में एक वीडियो है हमारे इंडियन का एक यूट्यूबर, वो हिंदी में वीडियो बनाता है, वो जो है दोस्तों इस फोन को मतलब इस फोन का ड्रॉप टेस्ट किया है, तो उसमें हम लोग देखे हैं कि फोन इतना ऊपर से गिर के जो है फोन डेड हो गया। तो ये भाई गलत बात है कि इतना मतलब इतना अच्छे फोन, इतना बढ़िया फोन हाथ से छूट के गिर के पूरा डेड हो जा रहा है, और पीछे तरफ का जो ग्लास वगैरह टूट जा रहा है, ये गलत बात है। तो कहीं ना कहीं भी दोस्तों इस फोन का एक कमी आई कि ये फोन जो है हाथ से गिरने के बाद टूटने का खतरा रहता है। तो जो हम लोग ड्रॉप टेस्ट देख चुके हैं उस सारे टेस्ट में हम लोग ये देखे कि भाई फोन जो हाथ से गिर के टूट जा रहा है, डेड हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों इस फोन का कमी आई कि फोन जो है बहुत जल्दी टूट रहा है, और बहुत जल्दी दोस्तों गिरने के बाद जो फोन खराब हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों इस फोन का एक कमियाँ है दोस्तों। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि इस फोन में हमेशा जो है आपको कवर चढ़ा के रखना पड़ेगा। मतलब हम लोग आमतौर पर हमेशा कवर चढ़ा के रखते ही हैं, और फोन के अंदर आपको कवर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में फोन में जो है हमेशा से आपको कवर चढ़ा के रखना है। ऐसे में क्या होगा कि दोस्तों फोन अगर आपका हाथ से इतना ऊपर से भी गिर गया तो फोन जो है गिर के टूटेगा नहीं, क्योंकि फोन में कवर है वो जो आपका फोन को बचा लेगा। मतलब पीछे तरफ ग्लास है लेकिन फिर भी आपका फोन नहीं टूटेगा कवर चढ़ा के रखने से। तो ऐसे में जो है क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा से फोन में आपको कवर चढ़ा के रखना पड़ेगा। तो ऐसे तो हम लोग दोस्तों हमेशा से फोन में कवर चढ़ा के रखते ही हैं, तो ऐसे में मेरे ख्याल से टूटने का डर नहीं है, क्योंकि फोन में अगर कवर जगह रखेंगे तो फोन गिरने के बाद भी नहीं टूटता, हम लोग सबको जानते हैं। तो ये उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, मतलब मेरे ख्याल से नहीं है, आपको उतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि भाई फोन गिरने मतलब गिरने के बाद टूट जा रहा है, डेड हो जा रहा है, क्योंकि जो फोन का ड्रॉप टेस्ट किया गया था उस फोन में कोई कवर नहीं था, वो ऐसे ही फोन को गिराया गया था। तो गिरने के बाद भाई कोई भी फोन खराब हो ही सकता है, और साथ में ये फोन तो भाई आ रहा है ग्लास वाली, ग्लास का फोन तो भाई जल्दी टूटता है, इसलिए तो टूट गया फोन, इसलिए हो सकता है कि डेड हो गया। तो इसलिए अगर मतलब कवर जगह रखेंगे तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आपका फोन गिरने के बाद भी मेरे ख्याल से नहीं टूटेगा और फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद जो पांचवा कमी इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा वो होगा इस फोन का पॉपअप सेल्फी कैमरा को लेकर के। मतलब दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं इस फोन में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है ना, ये इस फोन का कमियाँ भी है, इस फोन का कमजोरियाँ भी है। कैसे, मान के चलिए कि आप सेल्फी ले रहे हैं, मतलब आपका जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो बाहर निकला हुआ है, आप सेल्फी ले रहे हैं, तो ऐसे में सेल्फी कैमरा बाहर निकला हुआ है और आपका हाथ से फोन जो है गिर गया। तो जैसे ही आपका हाथ से फोन गिरेगा तो ऐसे में जो है दोस्तों पॉपअप सेल्फी कैमरा मान के चलिए बाहर निकला हुआ है, तो अगर पॉपअप सेल्फी कैमरा बाहर निकला हुआ तो ऐसे में जो आपका सेल्फी कैमरा में मतलब मैकेनिज्म में सेल्फी कैमरा का जो मैकेनिज्म है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब जैसे सेल्फी कैमरा बाहर निकला हुआ है और ऐसे ही फोन आपका नीचे गिरा और सेल्फी कैमरा में चोट चोट लगा, तो इसमें क्या होगा कि दोस्तों जो पॉपअप सेल्फी कैमरा का मैकेनिज्म है, अंदर बाहर जाने वाला जो मैकेनिज्म है, उसमें तो प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसे में क्या होगा कि दोस्तों आपका पता चला कि आपका सेल्फी कैमरा बाहर निकल ही नहीं रहा है, तो ऐसे में जो है आपको सेल्फी लेने में दिक्कत होगा कि आपका सेल्फी कैमरा जो मैकेनिज्म है उसमें अगर प्रॉब्लम आ गया, आपका सेल्फी कैमरा अगर बाहर नहीं निकला तो आप सेल्फी नहीं ले पाएंगे। ऊपर से क्या होगा कि दोस्तों जो फेस अनलॉक है ना, वो भी दोस्तों जो सामने वाला पॉपअप सेल्फी कैमरा उसको वैसे काम करवाता है, तो इसमें क्या होगा कि आपका फेस अनलॉक फीचर भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि सेल्फी कैमरा बाहर नहीं आ रहा है या मतलब कोई कारण से मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ गया, तो इसमें क्या होगा कि दोस्तों आपका जो फेस अनलॉक फीचर वो भी काम करना बंद कर देगा। तो कहीं ना कहीं भी दोस्तों इस फोन का कमियाँ है कि इस फोन में पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात और,
एक बात और, जो हम लोग ड्रॉप टेस्ट देखे हैं ना, उसमें देखा हूँ कि इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है उसमें 20 किलो का वजन भी लटकाया गया था। मतलब जो 20 किलो का डंबल टाइप का होता है ना, उसको इसमें लटकाया गया था, उसको ऐसे उठाया गया था। तो ऐसे में फिर भी जो इस फोन का सेल्फी कैमरा वो काम कर रहा था। मतलब इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है ना, इस फोन का सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म है दोस्तों काफ़ी अच्छा है। मतलब इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है दोस्तों, उसमें भी आपको मेटल देखने को मिल जाता है। मतलब चारों तरफ का जो फ्रेम है ना सेल्फी कैमरा का, चारों तरफ का जो फ्रेम है वो मेटल का है। तो ये एक अच्छी बात है कि इस फोन का जो सेल्फी कैमरा, उससे जो है 20 किलो का वजन उठाया गया, फिर भी जो इस फोन का जो सेल्फी कैमरा लगातार काम कर रहा था। तो मेरे ख्याल से इतना डरने वाली बात नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से एक आध बार अगर फोन आपका हाथ से गिर भी गया, और गिरते समय अगर सेल्फी कैमरा बाहर निकला हुआ भी रहा, तो आपका फोन जो है चीज़ को झेल लेगा। लेकिन बार बार नहीं गिराना, इसके बारे में याद रखिएगा। एक दो बार मेरे ख्याल से झेल लेगा, क्योंकि दोस्तों जो ड्रॉप टेस्ट हम लोग देखे हैं उसमें पता चला कि इस फोन का सेल्फी कैमरा भी काफ़ी मजबूत है। मतलब एक दो बार गिरने से वो टूटने वाला नहीं है, खराब होने वाला नहीं है। क्योंकि भाई 20 किलो का वजन उठा रहा है सेल्फी कैमरा, तो समझ सकते हैं मेरे ख्याल से इस फोन का सेल्फी कैमरा जो मैकेनिज्म है वो अच्छे होने वाला है। लेकिन दोस्तों मतलब अगर खुदा ना खास्ता गिर गया और ख़राब हो गया, तो भाई दिक्कत का सामना तो आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे में एक आध बार गिरने से मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बार बार गिरा, दो चार बार गिरा, तो खराब हो सकता है। तो जो भी है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये भी जो है इस फोन का एक कमी है कि इस फोन में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसका मैकेनिज्म खराब होने का डर रहता है हमेशा। मतलब हाथ से छूट के गिर गया तो हो सकता है आपका जो सेल्फी कैमरा का जो मैकेनिज्म है, पॉप सेल्फी कैमरा का जो मैकेनिज्म, वो खराब हो जाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी जो दोस्तों ये इस फोन का एक कमियाँ है। तो दोस्तों ये सारे कमियाँ जो आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर से आपको मैं बताना चाहूँगा, जो भी सारे कमियाँ इस फोन में देखने को मिलेगा, उस कमियाँ का तोड़ भी है। मतलब कमियां है तो कमियां तो है, जरूर है, लेकिन दोस्तों उसका उपाय भी है। ऐसा नहीं कि इस फोन का जो कमियां है उसका कोई उपाय नहीं, वैसा नहीं यार, उतना बड़ा कमियां भी नहीं है, छोटा मोटा कमियां है। तो ऐसे नहीं कि इस कमियां की वजह से फोन को नहीं खरीदा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आप हमको अगर आज के डेट में 17-18 हज़ार के अंदर कोई फोन लेना रहेगा, तो हम जरूर जो है आपका Redmi K20 को प्रोसेस करेंगे। क्योंकि दोस्तों फोन काफी अच्छे फोन होने वाला है, काफी बेहतर फोन होने वाला है। मतलब जैसे कि जो सारे कमियां इस फोन में है उसका उपाय भी है, जैसे कि आपको मैं बता चुका। मतलब इस फोन में आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है, फोन मतलब गिरने के बाद टूटने का खतरा है, तो ऐसे में फोन में हमेशा कवर चढ़ा के रखी है। उसके बाद हेडफोन नहीं मिल रहा है, तो हेडफोन भी अलग से आप खरीद के लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको मैं बोल चुका हूँ कि पॉपअप सेल्फी कैमरा अगर बाहर निकला हुआ रहेगा, वैसे में गिरेगा तो सेल्फी कैमरा में प्रॉब्लम आ सकता है, मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि सेल्फी कैमरा से 20 किलो का वजन उठा रहा था, फिर भी सेल्फी कैमरा ठीक ठाक काम कर रहा था। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो भी सारे कमियाँ हैं उसका हाल भी है। ऐसा नहीं कि जो कमियाँ है उसका कोई हाल नहीं, उसका हाल भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सारे कमियाँ इस फोन में है, तो वो उतना बड़ा कमियाँ नहीं है, उसका जो है सोल्यूशन किया जा सकता है। उसका जो है मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको दोस्तों सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये फोन एक अच्छे फोन होने वाला, एक बेहतर फोन होने वाला है। जो भी सारे कमियाँ इसका हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो जो भी है दोस्तों, ये सारे कमियाँ आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो जो भी है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो सारी चीज़ आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा था, वो सारी चीज़ आप समझ चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका मन में कोई भी सवाल है Redmi K20 को लेकर के, दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम जरूर जरूर कोशिश करेंगे आपका सवाल का जवाब देने। तो मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी है आपको अच्छा लगा, ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा। तो ऐसे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपना दोस्त अपने फैमिली वाले, ताकि जो जानकारी इसके बारे में लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे जानकारी वाले वीडियो में रोजाना आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे नया वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।